जय हिंद किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने तरबूज लगा रखा है, पिछली बार भी लगाया था, इस बार भी लगाया है। तो अब हमने कौन सी प्रोसेस की है इसमें तरबूज लगाने के लिए, वो तो आपको वीडियो के माध्यम से हमने बता दी। जितनी भी वीडियो बनाई है वो यूट्यूब पर है, सारी की सारी आप उनको जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो हम बात करेंगे कि अब हमारी बेलें कैसी है और हमने क्या क्या डाला है, किस स्थिति में है। अगर वही दिक्कत आपको आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब हमने लगाया था तो उस टाइम हमने फंगीसाइड डाला था, सिर्फ फंगीसाइड डाल के फंगस वाली दो दवा है और पौधे लगा दिए थे, उसके बाद पानी दिया। हमें ये तो पता था कि कीड़ा ज़रूर आएगा, लेकिन पिछली बार के तरह चार दिन बाद कीड़ा आना शुरू हो गया, जो तना छेदक है ये। तो पहले तो हमने जो पिछली बार यूज़ की थी बूमबास, यही चलाई थी, और एक उसके साथ साथ हमने मार्शल चलाई, क्योंकि पिछली बार ये ज़्यादा कारगर थी दोनों दवाइयाँ, तो हमने इनका पहले इस्तेमाल किया। परंतु इस बार इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, पिछली बार भी हमने ये जो इंसेक्टिसाइड है कार्बोफ्यूरान ये भी चलाई थी, लेकिन इस बार हमने ये चलाई है कार्बोफ्यूरान, इसका रिजल्ट ठीक ठाक है। जो तना छेदक है, कीड़ा है, वो पौधे से कोकोपीट की तरफ चला गया है, और जब वो पौधे से कोकोपीट की तरफ गया कुछ तो उसके अंदर ही मर गए। तो इसके बाद हमने क्या चलाया, क्लोरोपाइरीफॉस चलाई थी, जो 20% में आती है इंसेक्टिसाइड है, तो इसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं है, अभी भी कीड़ा इसके अंदर है। तो जो हमने जितनी भी ड्रिप चलाई तो उसकी वजह से इसमें पानी लगातार खड़ा रह गया, और पानी खड़ा रहने के बाद जड़ गलन आ गया इसमें। तो वैसे पौधे भी मुरझा रहे हैं कुछ कुछ, तो हमने रिप्लेसमेंट की है, और उसके बाद उससे निपटने के लिए जड़ गलन से हम फंगीसाइड कर रहे हैं। तो पहले फंगीसाइड क्या था, ये तो मेरे पास जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है टेमोक्सी का है, इसमें मेनकोजेब और ये मेटाक्सल है। तो वो करने के बाद मैंने जो दूसरा फंगीसाइड है ये इफको का है, मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। ये फंगीसाइड डाला है हमने और हमने ड्रेंचिंग की है इसमें साथ साथ है। अभी दो दिन हो गए हम पानी नहीं दे रहे, पहले कल फिर हमने मार्शल दिया था, छिड़काव भी किया था इंसेक्टिसाइड का और ड्रेंचिंग भी की थी। इस बार हम आज मैंने ये फंगीसाइड डाला है, तो अब हम कल और आज दो दिन पानी नहीं दे रहे इनको, कल ड्रिप चलाएंगे। तो कल हो सकता है यूरिया चलाएं साथ में या एनपीके चलाएं, देखते हैं पौधे की कंडीशन क्या रहती है। अगर पौधों की बात करें तो हमारे पास जो 7000 ओरिजिनल पौधे थे इसके स्काटा के, उनमें से 30% पौधे ख़राब हो गए। जो मैंने घर पे तैयार किया था बीज, उसमें भी 30% पौधे ख़राब हो गए। जो हमारे पास इन्वेंट्री है 600 पौधे रखे हैं, वो हमने कल लगाए थे, कल 300 पौधे लगाए हैं, उनमें फंगीसाइड भी डाल दी और इंसेक्टिसाइड भी डाल दिए दोनों दवाइयाँ। अभी एक बार देखते हैं, अगर उसमें ये इतना छेदक आया तो फिर दूसरी दवाइयाँ वो डालेंगे। अभी हमने सारे पौधे लगाए नहीं हैं, अगर फिर भी पौधे मर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो बीज हमारे पास हम वो बीज लगाएंगे, क्योंकि जितनी ही मैक्सिमम दवाई है वो हमने डाल दी है और आपको भी बता दिया। अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप इन दिनों पौधा लगा रहे हैं तो आपके पास अगर ये कार्बोफ्यूरान ले रखी है आपने, तो आप ये इसको बेड में डाल दीजिए या तो, और जब पौधे लगाएं तो अगर आप इसे वेंचुरी से चला रहे हैं तो वेंचुरी से इसमें पानी का घोल बना के एक बार पूरी ड्रिप चला दें, और जब वो मिट्टी थोड़ी सी हल्की रहे उसके बाद आप पौधा लगा दें, ताकि उसमें जहर आ जाएगा तो ये आएगा नहीं उसमें। और फंगीसाइड तो आप साठ जब पौधे लगा रहे हो तब लगाई डाल ही रहे हो ना कोकोपीट में, तो वो सबसे अच्छा है। अगर आपने बेड में डाल दी ये फ्री यानी कि कार्बोफ्यूरान, तो सबसे अच्छी है, नहीं तो आप ड्रिप पहले चला दीजिए, या पौधा लगाने के जो बाद जब ड्रिप दे रहे हो पानी से तो उसमें ये जरूर डाल दें। और अगर आपके पास दूसरी कीटनाशक कोई अच्छा है, आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप वो जरूर डालें, क्योंकि इसका कीड़ा है जो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर लगना शुरू हो जाता है। पहले 2 दिन बेल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, तीसरे दिन आपको थोड़ी थोड़ी एक आधी बेल मुरझाएगी, एक बार में राउंड मार के देख लेना, और जो पौधा मुरझाए उसको निकाल के ध्यान से कोकोपीट को चेक करें। ये पहले तो बिल्कुल जड़ के नज़दीक से लगेगा, फिर अंदर तक तने में जाएगा और उसको ख़त्म करने के बाद वापस जड़ में आ जाएगा। तो अगर आप पौधा रिप्लेस भी कर रहे हैं तो पहले वाले कोकोपीट या तो निकाल दें, या पहले जो आपने चला रखी है उससे पौधा थोड़ा साइड में लगाएं। तो रिप्लेसमेंट में भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए।
तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमारे पौधे कैसे हैं। तो आप इनको देख लीजिए एक बार, जो पौधे मुरझा रहे हैं वो बिल्कुल मुरझा रहे हैं, और जो स्वस्थ है वो बिल्कुल स्वस्थ है। जितने पत्ते अब आगे निकल रहे हैं, 5-6 पत्ते वो निकल गए उनमें, और जो अभी स्थित थी उनकी जिनकी डवाडोल है वो अभी वही है। उनमें एक बार देखेंगे कि क्या करना चाहिए। जो मुरझाए हुए पौधे उनमें फंगीसाइड डाल दिया आज, तो उससे ये होगा कि अगर उनमें जड़गलन है तो वो ठीक हो जाएगा, तो वो हो सकता है वो कामयाब हो जाए। तो हम 3-4 दिन तक अब वेट करेंगे। आज आखिरी दवाई डाल दी है, इसके बाद अब इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ भी पौधे को नुकसान करती है। इसलिए अब एक बार देखेंगे कि अगर ये पौधे कामयाब होते दिखेंगे तो फिर इनमें पानी देते रहेंगे और दूसरी दवाई डालेंगे। अगर इनमें कोई दिक्कत आ रही है तो हम रिप्लेस ही करेंगे, जितनी हमारे पास इन्वेंट्री है हम उसे रिप्लेस करेंगे। बाकी हम पौधे लगा देंगे बीज, अभी बीज लगा देंगे, वो 6-7 दिन में उग जाएगा तो ठीक काम चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।